रूपाली मैडम को वापस लाओ, वापस लाओ। रूपाली मैडम को वापस लाओ, वापस लाओ। रूपाली मैडम को वापस लाओ, वापस लाओ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस स्टेशन की एपीआई कृपाली बोरसे का ट्रांसफर होने की वजह से आज मुंब्रा की सड़कों पर लोग हाथों में कृपाली बोरसे की तस्वीर लेकर ह्यूमन चैन बनाकर खड़े रहे। इन सभी लोगों की मांग है कि कृपाली बोरसे को वापस मुंब्रा में ड्यूटी पर तैनात किया जाए। आपको बता दें कि कृपाली बोरसे मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जैसे ही चार्ज संभाला उसके बाद इन्होंने एमएमआरडी घोटाले मामले में गिरफ्तारी की और इसके बाद नशे के खिलाफ भी कई कार्रवाई की थी, मगर अचानक से ट्रांसफ़र होने की वजह से लोग सवाल खड़े करने लगे और कृपाली बोरसे के मुंब्रा में वापस लाने के लिए आज मुंब्रा की सड़कों पर लोग हाथों में कृपाली बोरसे की तस्वीर लेकर खड़े हुए नजर आए और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में उन्हें दोबारा वापस ड्यूटी पर तैनात करने की मांग करते रहे। इस दौरान हमने बातचीत की है, लोगों ने क्या कुछ कहा है। ये पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ ना, कृपाली मैडम, ये रोड जाम मत कर, पीछे आ। और क्या इसके बारे में आपको मालूमात है, क्यों आखिर ट्रांसफर किया गया? देखिए, मैं आपके न्यूज के माध्यम से बता दूं कि मालूमात तो मुझे आगे की है नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट करने का हमारा मेन मकसद ये है कि मुंब्रा में जब से कृपाली मैडम जो आई थी वो इस कदर इतना अच्छा काम कर रही थी कि 11 बजे मुंब्रा में सारे बच्चे नौजवान अपने घर में रहा करते थे, दुकानें बंद हो जाया करती थी, नशेड़ी अपने घर में चले जाया करते थे, कई बेचैन उन्होंने बंद करा दिया है। आज मुंब्रा सबसे ज़्यादा अगर परेशान था तो वो नशेड़ियों से परेशान था। कई ऐसे आंदोलन हुए, कई ऐसे लोग आए, लेकिन नशा नहीं हटा। लेकिन मैडम के आने के बाद हम नौजवानों को भरोसा था कि मैडम आएंगी और नशा भगाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ कि मैडम को ही भगा दिया गया। क्या कहेंगे आपको, क्या मांग निकलना? हमारी मांग यही है कि हमारी बोर्ड से मैडम है उनको वापस लाया जाए, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे थे, तो उनको ईमानदारी का नतीजा ये मिला कि उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ऐसा है कि आज मुंब्रा सिर्फ नशे की वजह से ज़्यादा बर्बाद हो गया है और वो नशेड़ियों को ज़्यादा टारगेट किए थे, तब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इससे डिपार्टमेंट को फायदा था नशेड़ियों के यहाँ रहने से, जो इनके वजह कि उनका जैसा भी हो मतलब खर्चा पानी चल रहा था। स्टेशन में और वैसे बहुत ऑफिसर है जो बाखूबी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं और रात में 11 बजे के बाद अभी भी बंद हो रहा है। जी, तो आप कैसा है अब जो ईमानदारी से काम कर रहे ना, एक ही ऑफिसर को टारगेट किया गया है अभी तो एक ही को किए, तो किसने किया और क्यों किया उसका तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी तो एक ही को किए, लेकिन आगे को ईमानदारी से काम करेगा तो उसका भी होगा कि उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा। जो ईमानदारी से यहाँ काम करेगा, ईमानदारी से नहीं कर रहा, नहीं जो करेगा तो उसका ट्रांसफर कर देंगे। जो उधर के ऑफिसर के जो लोग हैं ऑफिस के, उन लोग का मतलब टारगेट ये हो गया कि जो ईमानदारी से मुंब्रा में काम करेगा, नशेड़ियों को भगाएगा, तो उसको हम भगा देंगे, क्योंकि हमारा खर्चा पानी बंद हो जा रहा है। कहाँ के ऑफिसर, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के या यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक का कौन है अब हम नहीं बता सकते ना, अंदर की बात जो है, लेकिन देखने में जो आ रहा है कि मतलब जो मैडम अच्छा काम कर रहे तो उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, कि दोबारा कोई आए यहाँ पे तो अच्छा काम करे नहीं, और मुंब्रा हमेशा नशेड़ियों के बीच में रहे और सब नशा बेचे हैं खुले आम। पुलिस कर्मी है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, सब अलहमदुल्ला सब अपनी जगह अच्छा कर रहे, लेकिन कैसे किसी का किसी को अच्छा लगता है, किसी का बुरा लगता है, तो मैडम के जैसा कोई नहीं कर पा रहा था। मैडम ने अपना दिल लगा के काम किए, उन्होंने गलत काम नहीं किए, लेकिन उनको गलत उनके साथ गलत करके उनको ट्रांसफर कर दिया गया। क्या बोलोगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमने जो है बोरसे मैडम के लिए प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा है कि उनको इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुंब्रा में जो है वापस लेके आए, क्योंकि मैडम का काम जो है ना काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह। देखिए, जिस तरह से शहर का जो हालात हो चुके थे कि रात में लोग रात भर 1 बजे 1:30 बजे घूम रहे थे, धंधे चल रहे थे, बहुत सी इलीगल एक्टिविटी हो रही थी, नशाखोरों का आतंक बढ़ते जा रहा था, जिसको देखते हुए मुंब्रा में एक एपीआई हमारे बोरसे साहब मैडम आए थे। 3 महीने में उन्होंने मुंब्रा कौसा में इतना अच्छा माहौल बना दिया कि मुंब्रा कौसा में 11:30 बजे सारी दुकानें बंद, लोग अपने अपने घर चले जा रहे थे, और एक पुलिस का जो दबाव मतलब एक पुलिस का जो वो होना चाहिए लोगों के अंदर वो था, वो उन्होंने बना दिया था, लोगों में मेंटेन कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि मतलब लोग रातों में भीड़ नहीं कर रहे थे, लोग अपने अपने घर चले जा रहे थे। मैडम ने मतलब इतना माहौल अच्छा बना दिया पुलिस के ताल्लुक से। मैं चाहती हूँ कि हमारी वोसली मैडम वापस आए मुंब्रा में, हम औरतों के लिए सेफ्टी थी, अगर आज वो चले जाएंगे ऐसे लेडीज को निकाल दिया चला जाएगा तो हम लोग का क्या होगा। वो मुंब्रा में क्राइम कम था, वो काम अच्छा कर रहे थे, रात को 11 बजे बंद हो रहा था, वो रॉन लगाते थे 11 बजे,
तो उनको हम कहते हैं उनको वापस बुलाया जाए, वो हमारे लिए सेफ्टी थी, लेडीज के लिए सेफ्टी थी। अगर उनके भोसले मैडम के आने से हमारा मुमरा सेफ था, हम महिलाएं सेफ महसूस करते थे, प्लस मुमरा में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उन्होंने सुधार किए, तो आज हम यहाँ सब उनके सपोर्ट के लिए है। हम चाहते हैं कि मैडम को वापस से मुमरा देश में बुलाया जाए। मामला ऐसा है कि इससे पहले भी बहुत से ऑफिसर कार्यरत हुए मुमरा पुलिस चौकी के अंदर, उन लोगों ने भी बाखूबी काम किया, लेकिन जो मैडम का काम का तरीका था ये वाकई में सराहनीय है, कि जिसकी वजह से बहुत माहौल के अंदर तब्दीली आई। जो तब्दीली एक्चुअल चीज़ थी इस मुमरा कौसा के आवाम को और खासकर नौजवान बच्चों को, जो नाइट लाइफ के ना आदि हो चुके थे, तो मैडम के आने के बाद से नाइट लाइफ के जो आदि बच्चे थे, उनके माँ बाप जो परेशान रहते थे, उनके माँ बाप की दुआ है और उनकी परेशानी का बहुत हद तक का ना समाधान हुआ था। वी वॉन्ट भोसे मैडम को यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भोसे मैडम ने जो रात का काम की है, आज घरों में खुशी है कि बच्चे 11-12 बजे उनके घर पे सलामत सही से घर पे पहुँच रहे। जो आवाम का यहाँ का रिस्पॉन्स है मैडम के लिए, वो उनके हिसाब से मैडम 100% पास हुई है, लेकिन शायद ये कोई सियासी या पॉलिटिकल एजेंडा है, जहाँ पर जिस तरह से ये कुछ बड़े बड़े मामला उजागर किए मैडम ने और नशाखोरी को लगाम लगाई और लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ था कि हाँ यहाँ पर कोई चेंज हो रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है और इसको कहीं ना कहीं दबाने का काम हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में वो किसको रखे, किसकी बदली करे, उनका ये जाति मामला है, उनकी इख्तियारात की बात है, लेकिन हमारे शहर में एक लेडी पुलिस ऑफिसर कंट्रोल कर लेती है, ऐसा मैसेज जब बाहर जा रहा था, तो मुमरा बहुत हार्डकोर क्रिमिनलों का एरिया है, वो एक छवि साफ हो रही थी कि मुमरा में एक लेडी कंट्रोल कर लेती है, मतलब यहाँ के लोग बहुत सॉफ्ट है। इसीलिए मेरी शिकायत थी, एक रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से कि उनको वापस लाया जाए